जिला सोलन में निजी स्कूलों की मनमानी और अड़ियल रवैये के चलते अब शिक्षा विभाग सख्त रुख अपना रहा है। यही कारण है कि अब शिक्षा विभाग ने मनमानी करने वाले और शिक्षा विभाग के नियमों की अवहेलना करने वाले दर्जनों स्कूलों की सूची तैयार कर ली है और ऐसे स्कूलों को विभाग द्वारा अंतिम चेतावनी दी गई है कि वे जल्द ही विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाएं, अन्यथा उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन योगेंद्र मकैक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला सोलन में 110 निजी स्कूल हैं, जिनसे स्कूल की फीस को लेकर आवश्यक जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अभी तक ये जानकारी केवल 80 स्कूलों ने ही दी है और 30 स्कूल शिक्षा विभाग आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। इन 30 स्कूलों को डिफॉल्टर घोषित कर संबंधित स्कूलों को नोटिस जारी कर कारण पूछा गया है। उन्होंने बताया कि ये जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और अगर ये स्कूल समय रहते ये जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते तो इनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट सोलन में कुल 110 प्राइवेट स्कूल हैं। इनसे हमने इस साल का प्रपोज्ड फी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेने के ली थी। इनसे कहा था कि वो अपना फर्निश करें इस एकेडमिक सेशन का कि उनका प्रपोज्ड फी स्ट्रक्चर क्या है। तो इन 110 स्कूलों में से 80 स्कूलों ने अपना जो प्रपोज्ड फी स्ट्रक्चर है वो हमारे को दे दिया है, सबमिट कर दिया है और इस बात से हमने उच्च निदेशालय को भी अवगत करवा दिया है। बाकी जो शेष 30 स्कूल हैं इन्होंने अभी तक अपना जो प्रपोज्ड फी स्ट्रक्चर है इस प्रस्तावित एकेडमिक सेशन का वो हमें नहीं दिया है। इनको हमने डिफॉल्टर लिस्ट में भी डाल दिया है, इन्हें सूचित भी कर दिया गया है कि अब आप डिफॉल्टर लिस्ट में हो, शीघ्र अतिशीघ्र यदि आप नहीं देते हो तो जैसा कि उच्च शिक्षा निदेशक ने निर्देश भी दिया है कि इनके खिलाफ जो है एक स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन और जो इनको NOC ग्रांट की गई हुई है वो विड्रॉ कर दी जाएगी। गौरतलब है कि स्कूल पिछले काफी समय से अपनी मनमानी कर रहे हैं, यहाँ तक कि वे एनुअल चार्ज डोनेशन और बिल्डिंग फंड के नाम पर मोटी रकम परिजनों से वसूल रहे हैं और इन शुल्कों में हर वर्ष कई गुना बढ़ोतरी भी की जा रही है। यही वजह है कि परिजनों के सर के ऊपर से पानी बहने लगा है और अब इसका विरोध करने सड़कों पर उतर रहे हैं। यही कारण है कि अब जाकर शिक्षा विभाग जागा है और कार्रवाई की बात कर रहा है।